आप देख सकते हो मुझे कैसे जगह से जा रहा हूँ मैं, ना से बाहर आया हूँ। बहुत बढ़िया लोकेशन है भाई, बहुत। और आवाज देखो भाई कितनी गूंज रही है मेरी, बहुत ब्यूटीफुल भी लग रहे हैं भाई, अच्छे भी लग रहे हैं। और पुरानी चीजें तो भाई होती है अच्छी। लग गया कि इसके अंदर जाने के लिए हमें चप्पल उप्पल उतारनी पड़ती है, तो भाई हम भी वैसे ही जाएंगे। तो भाई ये देखो नीचे की तरफ आ गया, साउंड वाइब्रेशन कैसी हो रही है। तो भाई देखो इधर पूरी मतलब पूरा ब्लैक है, एकदम अंधेरा है भाई, खुद ही देख लो आप हाइट पे। ये सबसे बड़ा, फिर मीडियम, फिर छोटा। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग, अजय भावना व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना होस्ट अजय भाई। शाम के बज रहे 6 और मैं आया हूँ सेक्टर 5 की गुम्बद में भाई। आज मैं आपको गुम्बद का व्लॉग दिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। बिकॉज क्या है कि यहाँ पर देखो बहुत ही पुरानी पुरानी इमारतें हैं, वो पूरी अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो वीडियो में से कंटिन्यू रहे। भाई कितना पुराना किला है, कुआं है। बिकॉज क्या है, पहले के टाइम पे ऐसे ही भाई मतलब गहराई में ही वो बनाते थे, कुएं बनाते थे। सो भाई काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है देखने के लिए। बाकी मैं आपको क्लोज तो भाई ये देखो नीचे की तरफ आ गया, साउंड वाइब्रेशन कैसी हो रही है। बिकॉज क्या है कि थोड़ा निचाई की तरफ है ना, तो इसलिए मेरी आवाज़ गूंज रही है। बाकी भाई अंदर की तरफ दिखाता हूँ आपको मैं कैसा कुआं है। भाई कुएं में पानी तो नहीं है, मगर ज़्यादा गहरा भी नहीं है, मगर नीचे की तरफ बहुत है, क्या पता पहले के टाइम पे आता हो। बाकी भाई देखो इधर एक गुफा टाइप है। तो भाई देखो इधर पूरी मतलब पूरा ब्लैक है, एकदम अंधेरा है। और सही है भाई, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है यहाँ पर, सही हो रहा मौसम भी। इधर एक साइड एक और कुआं है, इधर इस साइड दिखाता हूँ भी आपको मैं। देखो भाई एक इस साइड भी कुआं है पूरा। बाकी भाई यहाँ से एक कुछ सीढ़ियाँ बना रखी है, स्टेयर सी भाई। बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पर, आप देख सकते हो मुझे कैसे जगह से जा रहा हूँ मैं। तो भाई सीढ़ी से निकलने के बाद मैं आया हूँ यहाँ से, यहाँ से बाहर आया हूँ। बहुत बढ़िया लोकेशन है भाई, बहुत सही है एकदम। और जो मौसम भी एक नंबर हो रहा है, और जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कुएं की, वो यहाँ पर है। भाई यहां से बाहर आया हूं अभी मैं। बाकी भाई देखो इधर, सामने बात करेंगे तो सामने देखो भाई तीन तीन मकबरे बना रखे हैं, वो भी एकदम हाइट वाइज, सबसे बड़ा, मीडियम, फिर सबसे छोटा। तो भाई बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में भाई, खुद ही देख लो आप हाइट से, ये सबसे बड़ा है, फिर मीडियम, फिर छोटा वाला। तो भाई चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको कैसा लग रहा है भाई अंदर, क्या है भाई। जो टॉम का नाम है वो है बजीरपुर टॉम। बाकी मैं आपको दिखा रहा था अभी मकबरे दिखा रहा था, तो दिखाता हूँ अभी। इतना ब्यूटीफुल है, यहाँ पे भी आवाज़ गूंज रही है, बहुत बढ़िया है भाई। तो अब दूसरा वाला दिखाता हूँ, फिर तीसरा वाला, सबसे बड़ा वाला। तो भाई मैं आया हूँ अभी, ये देखो सेकंड वाला मकबरा भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये भी। वो वाला भी दिखाया था मैंने आपको, छोटा वाला, और साइड में है मेरे बड़ा वाला। तो पहले भाई ये दिखाते हैं आपको। भाई बोला गया कि इसके अंदर जाने के लिए हमें चप्पल उप्पल उतारनी पड़ती है, तो भाई हम भी वैसे ही जाएंगे बिल्कुल।
तो भाई इससे ये अंदाजा होता है भाई पहले के लोगों ने ऐसे कैसे कैसे बनाया होगा, बिकॉज क्या डिजाइन भी बहुत अच्छा है भाई, इसमें काम भी काफी अच्छा हो रहा है, देखो पत्थर वत्थर एकदम अच्छे सेट कर रखे हैं। तो भाई बहुत ही ब्यूटीफुल किला है यार, लगा लो। और मेरे को बताया था उसका नाम बजीर, क्या था किले का नाम, क्या था फुल ग्रीनरी है, बहुत बढ़िया है भाई, मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है। अब चलते हैं बाहर की तरफ। तो भाई यहाँ तो जगह जगह ही मकबरे मकबरे हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल भी लग रहे हैं भाई, अच्छे भी लग रहे हैं, और पुरानी चीज़ें तो भाई होती ही अच्छी है, बहुत ही। बैक साइड और देखो भाई कितनी ग्रीनरी है, एक नीम का पेड़ भी है भाई, बहुत अच्छी छाया है। तो भाई बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे आके यार, शाम की वॉक भी हो गई और आप लोगों को टॉम भी अच्छे से एक्सप्लोर कर दिया। और भाई पार्क से बाहर निकलते ही गुरुद्वारा है, सो बहुत अच्छी बात है यार, भगवान जी के दर्शन हो गए। और अब ब्लॉग की एंडिंग करते हैं, पहले गुरुद्वारा दिखा दूं आपको मैं। सो गाइस कैसा लगा आपको ब्लॉग, अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाकी ब्लॉग की मैं एंडिंग करता हूँ, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो भाई ये देखो बैक साइड में मेरे भाई कितना पुराना किला है, कुआं है, बिकॉज